प्यारे दर्शकों, बहुत कोए भक्त अघोरी तांत्रिक पूजा करवाना चाहता है, लेकिन सही गुरुजी नहीं मिलने के कारण वह सब भक्त अपना पूजा नहीं करवा पाते हैं। गुरुजी श्री राजू तंत्र शास्त्री जी बंगाल में अघोर तंत्र पूजा करते हैं। अगर आप तारापीठ या शमशान में या गुरुजी के आश्रम में पूजा करवाना चाहते हैं तो स्वयं आकर बैठकर या फिर आप वीडियो कॉल पर अपना पूजा करवा सकते हैं। प्रमाण के साथ वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है कैसे तारापीठ या महाशमशान में या गुरुजी के आश्रम में अघोरी हवन कुंड में पूजा होते हैं। प्यारे भक्तों, आप किसी से भी अघोरी या तांत्रिक पूजा करवाना चाहते हैं, पहले आप वीडियो कॉल करके देख ले, फिर विश्वास करें। हमारे गुरुजी जब आश्रम में होते हैं तब आपका वीडियो कॉल जरूर उठाएंगे। आप बात करके गुरुजी से सही सलाह ले सकते हैं। आप भक्तों हमेशा रिजल्ट के पीछे भागते हो, इस कारण से जीवन में आपको सही कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। आप कर्म के पीछे भागो, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आपको सही परिणाम जरूर मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आप अगर किसी को चाहते हैं तो आपके मन में ये भावना आ जाती है कि किसी भी प्रकार से उसको पा लिया जाए, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि किसी को पाना इतना आसान नहीं होता। कुछ प्रयत्न करने पड़ते हैं, कुछ जतन करने पड़ते हैं, कुछ उपाय करने पड़ते हैं। तो चलिए, अगर आप किसी को चाहते हैं तो उसको किस तरीके से पाया जाए और खासकर वशीकरण के माध्यम से कैसे उसकी होगी प्राप्ति, आज आपको ये बताएंगे। आज आपको एक ऐसी ही विधि बताने वाली हूँ मैं जिससे कि आप किसी भी स्त्री को सम्मोहन कर सकते हैं, यानी कि किसी भी स्त्री या फिर लड़की को अपने वश में कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसी विधि और ऐसा मंत्र बताया जाएगा जिससे आप किसी को वश में करके अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, उसको वश में करके आप उसको पा सकते हैं। इसके लिए आप उसकी फोटो का यूज भी नहीं करेंगे, तब भी आपकी जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी और आप उसको अपने वश में कर पाएंगे। तो आप उसके घर भी नहीं जाएंगे और अपने घर में ही रहकर इस उपाय को कर पाएंगे, क्योंकि मुमकिन नहीं हो पाता है कि फोटो अवेलेबल हो जाए, या फिर ये भी नहीं मुमकिन हो पाता है कि उसके घर पर जाया जाए। और ये जो उपाय है बहुत ही सरल उपाय है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप किस प्रकार से उसकी फोटो का यूज किए बिना, उसके घर जाए बिना और उससे मिले बिना, उसको कुछ खिलाए पिलाए बिना उसको आप सम्मोहित कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में हो आप उसको अपने वश में कर सकते हैं। तो चलिए विधि मैं आपको बताती हूँ जिसमें आपको करना होगा एक छोटा सा उपाय, और इस विधि के माध्यम से आप उसको पूरी तरीके से पालेंगे और उसको सम्मोहित करके अपनी इच्छाएं भी पूरी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस उपाय को किस तरीके से करना है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको यह काम बिल्कुल भी गलत तरीके से नहीं करना होगा, और ना ही करते वक्त आपके मन में उस व्यक्ति के लिए कोई गलत भावना होनी चाहिए। अगर आपको यह उपाय समझ नहीं आ रहा हो या समझ नहीं आए बताने के बाद, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम को गवाए मैं आपको उपाय बताती हूँ कि इस उपाय को कैसे करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले लेना होगा एक लोटा, और इस लोटे के अंदर लेना होगा आपको जल। और ध्यान रखिएगा कि जल आपको इतना ही लेना होगा जिसको आप 11 बार में पी पाए। तो इस लोटे को लेना होगा, इसके अंदर जल लेना होगा और उसको अपने पास रख लेना होगा। उसके बाद जलाना होगा आपको एक दीपक, और इस दीपक के अंदर आपको डालना होगा थोड़ा सा घी या फिर तेल। इसको जलाने के बाद आप इसको अपने पास रख लें और बैठकर ध्यान लगाएं। और एक चीज का ध्यान रखें कि विधि करते हुए आपको कोई देखे नहीं। ये उपाय करते समय आपको उस स्त्री का नाम, यानी कि जिसको आप वश में करना चाहते हैं, आपको 11 बार उनका नाम लेना होगा। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, बार बार मैं आपको बता दूं कि एक तो लोटे में आपने उतना ही जल लेना है जितना आप पी पाए, और दूसरी चीज, ये उपाय करते समय आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकांत होना चाहिए, नहीं तो ये उपाय सफल नहीं होगा। तो चलिए 11 बार आप नाम लीजिए उस स्त्री का, और उसके बाद नाम लेते वक्त आपको जो दिया जलाया है आपने, आप उसको अपने हाथ में रखें और आंखें बंद करके 11 बार नाम लें, फिर उस दिए को नीचे रख दें, और उस दिए को नीचे रखने के बाद आप मंत्र का उच्चारण करें। और मंत्र का उच्चारण करने के लिए आप अपनी आंखें बंद करें और उनका ध्यान अपने मन में रखें जिनको आप अपने वश में करना चाहते हैं। मंत्र में आपको बता देती हूँ, मंत्र है त्रीम त्रीम त्रीम। ऐसा करना है आपको 3 बार मंत्र का जाप करना है। यह विधि आपको करनी है, उसके बाद जो लोटे का जल है उसको आपको 11 बार में पीना है, यानी कि जल उतना लेना है जितना आप पी पाए, और उसको 11 बार में आपको पीकर खत्म करना है।
आप इस उपाय को कीजिए, अवश्य ही आप देखिएगा इस उपाय को करने के बाद कितना फायदा होगा। आपका प्यार मात्र कुछ ही दिनों में आपको मिल जाएगा। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही करेंगे। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो या फिर ये उपाय आपको नहीं समझ आया हो, उपाय करने की विधि जानना चाहते हो या फिर और कोई समस्या का उपाय जानना चाहते हो, तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं आप इन पर संपर्क